हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। और इस वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने विंडोज 10 को बहुत ही क्विकली, बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आए अपनी कोर्स आउटलाइन पे चलते हैं। ये है हमारा आज का कोर्स आउटलाइन, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स आपके सामने मेंशन कर दी हैं, सो मैं आपके सामने क्विकली इसको वन बाय वन अप्लाई करता हूँ और आप देखिएगा। सबसे पहला विंडोज प्लस लेफ्ट एरो की, ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है। इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर में डिफरेंट विंडोज को पैरेलल में डिफरेंट प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं। सो आई बताता हूँ कैसे। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास एक MS Word है, कंप्लीट स्क्रीन ले चुका है और आपको यहाँ पे फुल नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर आप कोई एक्सेल ओपन करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते हैं कि दोनों को हम साइड बाय साइड यूज करें, सो देखिए कैसे होगा। विंडो की आपने प्रेस करनी है और आपने प्रेस करना है फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट एरो की, तो देखिए क्या होता है, आपकी पूरी विंडो जो है वो चली गई लेफ्ट साइड पे। इसके साथ मैं कोई भी और सॉफ्टवेयर जो है वो ला सकता हूँ, मैं कोई क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकता हूँ, मैं कोई, जैसे यहाँ पे मैंने Adobe Premiere Pro ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोनों सॉफ्टवेयर्स मेरे बिल्कुल साइड साइड पे आ गए हैं। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है जिसपे आप इसको यूटिलाइज करके अपने दो सॉफ्टवेयर्स को वेरी क्विकली साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं। दूसरी जो शॉर्टकट है वो है आपकी विंडो प्लस राइट एरो, यानी आपकी करंट विंडो आपके स्क्रीन के राइट साइड पे चली जाएगी। सो प्रेस करते हैं विंडो प्लस राइट एरो की, तो आप देख सकते हैं वो आपके राइट साइड पे जो है वो जा चुकी है। अब आपको जैसे भी ठीक लगता है आप उस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ में आप अपना दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं एंड अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ओके गुड, नेक्स्ट चेक करते हैं पॉइंट नंबर 3। ये है विंडो प्लस अप एरो की। अब देख रहे हैं आप कि ये जो विंडो है थोड़ी सी छोटी हो चुकी है और आप इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। सो मैं प्रेस करता हूँ विंडो प्लस अप एरो की, तो वेरी इजिली आपकी जो छोटी विंडो थी वो क्विकली आपके लिए ओपन हो गई। आप ये क्लिक के थ्रू भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग शॉर्टकट से बात कर रहे हैं तो हम लोग शॉर्टकट के थ्रू इसको हैंडल करेंगे। अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, इस करंट विंडो को आप डाउन साइड पर ले जाना चाहते हैं, तो आप प्रेस करें विंडो प्लस डाउन एरो की, तो आप देख सकते हैं ये छोटे साइज में हो गई। अगर आप इसको दोबारा विंडो डी करते हैं तो ये आपके लिए मिनिमाइज हो जाएगी। सो ये आपके सामने से जा चुकी है। इस तरीके से आपकी जो विंडोज हैं वो हैंडल होती हैं यूजिंग दी शॉर्टकट्स जो आपने अभी देखी हैं। मैं इनको पर्सनली यूज करता हूं और मुझे बहुत ही फायदा देती हैं ये जो शॉर्टकट्स। नेक्स्ट शॉर्टकट जो आ रही है वो है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। अब ये कैसी शॉर्टकट है, ये आपके इस सिस्टम पर एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप ले आएगी। अब वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है, अभी आप देखें मेरा ये डेस्कटॉप चल रहा है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ओपन है, जैसे ये मैंने ओपन किया हुआ है Adobe Premiere Pro, इसमें मेरे कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फोटोशॉप चल रहा है यहाँ पे एंड MS Word ओपन है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल साइड पे हो जाए और मुझे कम्प्लीटली नया डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मिल जाए, बिल्कुल कम्प्लीटली नया, उसे मैं अपने नए सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ एंड सो ऑन। तो जो शॉर्टकट है वो है विंडो की प्लस कंट्रोल की प्लस डी की। सो लेट्स देखिए इसको अप्लाई करते हैं, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो आपने देखा यहाँ पर मेरे पास कम्प्लीटली एक नया डेस्कटॉप आ चुका है। ये भी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो अभी ओपन थे वो भी आपके लिए ओपन नहीं है, यहाँ पे आप अपने नए जो सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बंद कैसे करना है या इसको वापस कैसे लेके जाना है प्रीवियस वाले पे, उसकी जो शॉर्टकट है वो नेक्स्ट है, उसको आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, तो आपका जो पुराना डेस्कटॉप है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस कमांड से आप लोग अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को साइकिल करवाना चाहते हैं, ड्राइव करवाना चाहते हैं, अब यानी कि एक वर्चुअल डेस्कटॉप से दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप पे जाना चाह रहे हैं, उस केस में आपके पास जो कमांड हो जाएगी वो होगी विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। तो ये चला जाएगा आपके वर्चुअल डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो आ जाएगा, राइट साइड पे वो आ जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पे प्रेस करने जा रहा हूँ विंडो की प्लस कंट्रोल की प्लस राइट एरो की, तो आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला जो है वो हमारे सामने आ गया, और अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो हमारे पास प्रीवियस वाला जो है वो वर्चुअल डेस्कटॉप आ चुका है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं चूँकि बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो डिफरेंट कैटेगरी, जैसे मल्टी मीडिया के लिए अलग ओपन कर दिए, प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर के लिए अलग डेस्कटॉप मैंने बना लिया, इंटरनेट के लिए मैंने अलग डेस्कटॉप बना लिया, सो गेम्स के लिए अलग बना लिया, तो ये बड़ा अच्छा शॉर्टकट है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट वर्चुअल डेस्कटॉप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके नाउ लेट्स सपोज आपने जो वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट किया उसको आप
क्लोज करना चाहते हैं। सो उसके लिए जो शॉर्टकट आएगी वो होगी विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4। ये यूज होती है वर्चुअल डेस्कटॉप को क्लोज करने के लिए। सो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने एक वर्चुअल डेस्कटॉप बनाया था अभी, ये है वो वर्चुअल डेस्कटॉप और मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। सो विंडो की प्लस कंट्रोल की प्लस F4 की, तो आप देख सकते हैं आपका पुराना वाला जो वर्चुअल डेस्कटॉप था, ओरिजिनल डेस्कटॉप जो था वो वापस आ गया और आपका जो नया क्रिएट हुआ था वो आपके लिए डिलीट हो गया। सो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 इज द शॉर्टकट टू क्लोज योर वर्चुअल डेस्कटॉप। नेक्स्ट कमांड आ रही है और ये है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। नाउ ये जो है एक ऐसी शॉर्टकट है जो आपके करंट एनवायरनमेंट का, आपके करंट एनवायरनमेंट में जो भी ओपन है, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, आप कोई इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपको जल्दी से उस डेटा का एक स्क्रीनशॉट चाहिए, जिस हम मोबाइल से भी यूज करते हैं, उस केस में आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने विंडोज में एमएस वर्ड ओपन है, इस विंडो में पूरा इसमें मेरे सामने डेटा है, इसका मैं प्रिंट स्क्रीन लेना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस करूंगा विंडो की और साथ में मेरे पास एक शॉर्टकट है, एक की है जिसको टॉप पे लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन, PRTSSC प्रिंट स्क्रीन, इसको मैं प्रेस करता हूँ। आपने देखा ये थोड़ा सा डिम हुआ है, ये सेफ हो चुका है आपके पास एक फोल्डर में और वहां पर ये पिक्चर जो है आपके सामने बन चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे बनी है वो। सो ये वो बात है जिसमें आप लोग का स्क्रीनशॉट फोल्डर डेवलप हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स जो लिए थे अभी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने लिए थे, वो ये आपके सामने आ चुके हैं। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक पिक्चर जो है वो आपके सामने डेवलप हो चुकी है। अगर विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो आपके सामने सारे शॉर्टकट जो है वो सेफ होते रहेंगे। सो मैं यहाँ पे एक और दफा भी प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे डिम सा हुआ एनवायरनमेंट और ये आपके सामने स्क्रीनशॉट जो है वो प्रेजेंट हो गया। सो ये भी एक बहुत जबरदस्त कमांड है जो हम लोग मोबाइल से भी अक्सर यूज करते हैं और आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो आ रही है वो है विंडो प्लस ऑल्ट प्लस जी। ये बहुत जबरदस्त कमांड है और ये मैं अक्सर यूज करता हूँ तब जब मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो जिस तरह मोबाइल्स में भी आपको कुछ मोबाइल्स में ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे जो भी कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो सकता है, तो अक्सर लोग बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जैसे मैं भी यूज कर रहा हूँ कैमटेशिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आप लोग करना चाह रहे हैं छोटी मोटी रिकॉर्डिंग, तो उस केस में आप यूज करेंगे विंडो प्लस ऑल्ट प्लस जी। सो मैं आपके सामने कर देता हूँ, इट्स विंडो प्लस ऑल्ट प्लस जी। तो आप देखिए क्या होता है, ये चीज आ चुकी है आपके सामने, आप देख रहे हैं इसमें काफी ऑप्शंस हैं आपके सामने, कुछ परफॉर्मेंस भी बताई जा रही है आपके सीपीयू की, भी आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि इट्स एक्चुअली अ गेमिंग फीचर, ओके। आप गेमिंग के कुछ स्क्रीन कुछ वीडियो छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपसे कह रहा है कि गेमिंग फीचर्स नॉट अवेलेबल, इनेबल गेमिंग फीचर फॉर दिस ऐप टू रिकॉर्ड गेम प्ले। अगर आप कुछ गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या कुछ रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, उस केस में आप तो इसको इनेबल कर देते हैं, तो अब आपके लिए इस एनवायरनमेंट पर भी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इस साइड पे एक ऑप्शन आ गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग, विंडो प्लस ऑल्ट प्लस आर, ये इसकी शॉर्टकट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक छोटा सा काउंटर आ चुका है और हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो चल पड़ी है। सो आप जब इसको रिकॉर्ड कर लेंगे जो भी एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं यहाँ पे अपना कर्सर को मूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अभी आके अच्छा ये वॉल्यूम भी आप लोग ऑन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं वॉल्यूम मैंने ऑन कर दिया। सो ये जो स्पीकर आइकन है आप इसको भी ऑन कर सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और अभी आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है शो ऑल कैप्चर्स, इसको अगर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी जो भी आप लोगों ने की होंगी। अगर मैं इसको प्ले कर दूं तो आप देख सकते हैं ये हमारा वो रिकॉर्डिंग है जो कि अभी आप लोग देख रहे थे स्क्रीन पर, ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है। सो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप लोग अपने विंडोज में रिकॉर्डिंग भी इंजॉय कर सकते हैं यूजिंग दिस शॉर्टकट कॉल्ड विंडो प्लस ऑल्ट प्लस जी फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अच्छी शॉर्टकट थी। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट आ रही है हमारे पास सर्चिंग की। सो आए जरा कुछ सर्चिंग वर्चिंग करते हैं। हम लोग सर्चिंग के लिए अक्सर यहाँ पर जाते हैं बॉटम साइड पर, आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, ठीक है। अक्सर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर में होते हैं तो हमें सब कुछ हटा के फिर यहाँ पे जाना पड़ता है। सिंपल शॉर्टकट है विंडो प्लस एस और आपके लिए सर्च बार जो है वो एक्टिव हो गई। आप यहाँ पे सिंपली कुछ भी टाइप करें और आपके लिए सर्चिंग जो है विंडो प्रोवाइड करती है। सो इट्स विंडो की प्लस एस की फॉर सर्चिंग, आपके लिए क्विकली सर्चिंग कर सकता है आपका सिस्टम यूजिंग दिस शॉर्टकट, बजाय इसके कि आप क्लिक्स के थ्रू इतना दूर जा रहे हैं। सो इट्स अ विंडोज प्लस एस की। नाउ अक्सर हमें अपने सिस्टम में सेटिंग बहुत जल्दी चाहिए होती है, कोई
ब्लूटूथ आपने एक्टिवेट करना है, कोई प्रिंटिंग की सेटिंग करनी है, जो भी है, तो सेटिंग में इतना दूर जाने के लिए आप ना करें। जैसे आप क्लिक करते हैं स्टार्ट पे, फिर आप जाते हैं सेटिंग्स पे और काफी दूर तक जाना पड़ता है आपको। एक छोटी शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए हैंडी रहेगी, विंडो प्लस आई, दैट्स इट। आपकी विंडो सेटिंग जो है वो आपके सामने आ चुकी है, इट्स विंडो प्लस आई, देखें विंडो प्लस आई। सो ये लिखा हुआ है, इट्स अ विंडो प्लस आई, ये आपके लिए क्विकली सेटिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड बहुत जबरदस्त है, बहुत लोग यूज करते हैं, वो क्या है, आप अभी बहुत सी विंडोज एक्टिव करके बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है, ठीक है, मैंने वर्ड ओपन किया हुआ है, मैंने नोट पैड ओपन किया हुआ है, बहुत सी विंडोज हैं और मुझे क्विकली जाना है डेस्कटॉप पे। अभी मेरे सामने बहुत सी विंडोज हैं, आपने देख लिया सारी विंडोज आ चुकी हैं, लेकिन मुझे क्विकली जाना है डेस्कटॉप के ऊपर। सो मैं प्रेस करूंगा विंडो प्लस डी एंड दैट्स इट, दिस वन इज योर डेस्कटॉप। सारी विंडोज ऑटोमेटिकली आपके सामने से हाइड हो गई और आपका डेस्कटॉप आपके सामने आ गया। जब आप अपने डेस्कटॉप पे काम कर लेंगे, आपने वही सारी विंडोज दोबारा एक्टिव करनी है, आप अगेन प्रेस करें विंडो डी एंड सारी विंडोज आपके सामने दोबारा आ चुकी हैं। सो इट्स सिंपली विंडो प्लस डी एंड अगेन विंडो प्लस डी, आपके सामने सारा कुछ हो गया। ये कमांड थी डेस्कटॉप तक पहुंचने की और उस पे वापस अगर आप अपनी विंडोज को एक्टिव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कमांड है वो है विंडो प्लस ए। विंडोज 10 में एक बहुत जबरदस्त फीचर है और वो है एक्शन सेंटर का। मैं आपको बताता हूँ, विंडो प्लस ए आप देखेंगे यहाँ से स्वाइप होके एक एक पैन सा आ गया है। इसमें आपको नोटिफिकेशंस पता लगते हैं कि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया है या आपका एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, इसके अलावा आपका ब्लूटूथ ऑन है या नहीं है। तो ये काफी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर जो कि हमारे लिए बड़े हैंडी होते हैं, जिनको हम लोग क्विकली यूज करना चाहते हैं। बजाय इसके कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं और इतना दूर जाके सेटिंग्स करें, आप सिंपली प्रेस करें विंडो ए और आपके सामने नोटिफिकेशंस विद डिफरेंट ऑप्शंस वो सब के सब आपके सामने आ जाएंगे। आप उसके ऊपर एक्सपेंड बटन देख रहे हैं, इसको क्लिक करने तो यहाँ पे और ऑप्शंस भी आ गए आपके सामने। तो भाई जैसे नाइट लाइट मैं अक्सर यूज करता हूँ, नाइट लाइट अगर आप उसको क्लिक कर दें तो वो आपका सिस्टम बिल्कुल डिम सा हो जाएगा। आप ऑल सेटिंग्स कर सकते हैं, आप वाईफाई की सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे काफी ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, विंडो प्लस ए एंड यू विल गेट देयर एक्शन सेंटर। इसके लिए यूज किया है हमने विंडो प्लस ए। नेक्स्ट कमांड है विंडो प्लस एक्स, ये भी बहुत अच्छी कमांड है, मैं अक्सर यूज करता हूँ इसको। वो ये है कि विंडो के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये एक मेन्यू आ जाता है, अगर आपने कभी इसका किया हो। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है विंडो प्लस एक्स और यहाँ पे आपके पास बहुत सी ऑप्शंस है, लाइक एप्स एंड फीचर्स हैं, आपके पास मोबिलिटी सेंटर है, आपके पास सिस्टम सेटिंग्स है, डिवाइस मैनेजर है, डिस्क मैनेजमेंट है, सेटिंग्स हैं, टास्क मैनेजर है, यही से सब कुछ ऑन करना है। रन कमांड आप यूज कर सकते हैं, सर्च कमांड आप यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, काफी ऑप्शन है। इट्स अ विंडो प्लस एक्स, सो विंडो एक्स किया और हमारे सामने सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कमांड विंडोज एक्स, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। विंडो प्लस एल हमारी बहुत ही फेवरेट कमांड है। अगर आप अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं और आपको अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि आप सारा सिस्टम बंद बंद करें एंड सो ऑन, आप सिंपली कर दें विंडो प्लस एल तो आपका सिस्टम जो है वो लॉक स्टेट में चला जाएगा। मैं भी करता नहीं, हो सकता है रिकॉर्डिंग बंद हो जाए या कुछ भी इशू हो जाए, आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। विंडो प्लस एल आपका सिस्टम जो है वो लॉक स्टेट में चला जाएगा, यदि लॉक हो जाएगा फिर कोई इंटर करना चाहेगा तो उसको पासवर्ड देना होगा। अच्छी कमांड है। नेक्स्ट कमांड आ रही है, इट्स अ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये तो मैं बहुत यूज करता हूं क्विकली टास्क मैनेजर गेट करने के लिए, इट्स कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप। तो आप देखेंगे आपका टास्क मैनेजर आपके सामने आ गया। यहां से कोई भी ऐसा फजूल सा सॉफ्टवेयर या कोई भी फजूल फाइल जो आपको तंग कर रही है, आपका सिस्टम स्लो कर रही है, उसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करें एंड उसको यहां से एंड टास्क कर दें, तो आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी कमांड है विंडोज के लिए, है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की। So you will get the task manager. Next command आ रही है, it's a Windows plus P projection के लिए, वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने सिस्टम का डिस्प्ले किसी और जगह पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पर भी रहे और किसी मल्टीमीडिया पर आ जाए या किसी दूसरे सिस्टम पर आ जाए या किसी मोबाइल पे आपका डिस्प्ले आ जाए, किसी भी स्क्रीन पर आ जाए, उसके लिए शॉर्टकट आपने यूज करनी है विंडो प्लस पी एंड यू विल गेट दिस पैन। इसमें आपके पास है कि आप इसी पीसी का स्क्रीन देखना चाहते हैं, आप अपने पीसी के स्क्रीन को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं या आप उसका सेकंड स्क्रीन ऑन करना चाहते हैं, यानी करंट सिस्टम से आपका डिस्प्ले हट जाएगा और सिर्फ दूसरे सिस्टम पे आपका डिस्प्ले जो है वो आएगा। एक्सटेंड करना चाहते हैं यानी यहाँ पर भी रहेगा और उसी का एक और लेवल जो है वो दूसरे डेस्कटॉप पे चला जाएगा या दूसरे स्क्रीन पे चला जाएगा और आपको दो दो जो बड़ा सा स्क्रीन जो है, जैसे गेमर्स यूज करते हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन अच्छा है एक्सटेंड वाला।
डुप्लीकेट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं और अपने दूसरे स्क्रीन पर भी आप अपने डिस्प्ले को देख रहे हैं। पीसी स्क्रीन ओनली का मतलब ये है कि प्राइमरी जो सिस्टम है उस पर स्क्रीन आपका डिस्प्ले रहेगा और दूसरे से आपका डिस्प्ले जो है वो चला जाएगा। तो अक्सर मल्टीमीडिया वाले जो यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स देते हैं, उनके लिए ये कमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि पावर पॉइंट प्रॉब्लम करने लगता है, वो लॉक हो जाता है। तो आप इस स्क्रीन के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हैं, अपने जो आपका डिस्प्ले है उसको डिफरेंट स्क्रीन्स पर। सो इट्स विंडो प्लस टी, ओके, प्रोजेक्शंस के लिए यूज होती है। ओके जी, सेकंड लास्ट कमांड है, ये है विंडो प्लस प्लस। ये बड़ी प्यारी कमांड है, इसको अगर मैंने प्रेस करते तो आप देखिए क्या होता है, आपका स्क्रीन जूम हो जाएगा। देखिए ये देखिए आपका स्क्रीन एकदम से जूम हो गया, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये वापस चला। ये नहीं, ये मैग्निफिकेशन के लिए यूज होती है। मैग्निफिकेशन मीन्स कि आप अपने स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए, अपने स्क्रीन को छोटा कर दीजिए। तो ये हम रिकॉर्डिंग के लिए अक्सर यूज करते हैं ताकि हम उस एरिया को जूम कर सकें जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। गुड, लास्ट कमांड आपने देखा है, नहीं लिखी हुई, वो इसलिए क्योंकि बस खत्म हो रहा है हमारा लेक्चर। तो इस कमांड का नाम ही है ऑल्ट प्लस F4 एंड इट मीन्स क्लोज, क्लोज योर एक्टिव विंडो। तो अभी मैं प्रेस नहीं करता वरना ये बंद हो जाएगा। इट्स क्लोजिंग, जो भी आपकी एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करने के लिए यूज होता है। आप अपने सिस्टम को भी इससे क्लोज कर सकते हैं, ऑल्ट F4 आती होगी आप लोगों को। सो आज का इस लेक्चर में हमारा विंडोज की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, और ये एपिसोड 1 थी। इस तरह मैं आपको पूरी बहुत सी कमांड्स बताता जाऊंगा। ये आपको मास्टरिंग सीरीज है एक कीबोर्ड की, कि आपको पूरा मास्टर बना दिया जाए शॉर्टकट्स के थ्रू, अपने सिस्टम को बहुत ही क्विकली यूज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और क्या होता है, लाइक होता है, लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।